भारत के निवासी मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, जब भी मैं यहाँ झंडा फहराती हूँ तो उस दिन की याद आती है जब पहले दफ़े आज़ाद भारत का झंडा यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। वो याद आती है कि किस मुसीबत और कष्ट और कुर्बानी से ये देश गुजरा, किन आशाओं को लेके हमने यहाँ पे अपना झंडा फहराया। आज जब हम पीछे देखते हैं इन वर्षों के तरफ तो ये देखते हैं कि जो रास्ता अपने सामने हमने रखा था उस पे काफ़ी दूर हम आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ भूल भी हुई है, गलतियां भी हुई हैं, काम में कमी भी हुई है, और जितना ही हम आगे बढ़े उतना ही हमने देखा कि रास्ता आगे का कितना ज़्यादा लंबा है। ये देखा कि हर एक कदम से कठिनाई बजाय कम होने के और बढ़ती है। ये देखा कि कुछ मांगें अगर पूरी होती हैं तो बहुत सी मांगें नई खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये जीवन का ऐसा ही रास्ता होता है। हमारी कोशिश रही है कि जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने और देश के सामने रखे उस ही पथ पर हम कदम आगे बढ़ाएं। आज़ादी अनेक प्रकार की होती है। हमने जानबूझ के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया, और ये उचित ही था क्योंकि दूसरे किसी प्रकार की स्वतंत्रता को सच्ची माने में स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनें, केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहें चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों वो इजाज़त मिले उनको। पूर्ण स्वराज के माने हैं कि स्वराज के फल, स्वराज के नतीजे भारत के घर घर तक पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचें जिनकी आवाज़ नहीं उठ सकती, उन लोगों तक पहुँचें जिनको शायद ठीक से मालूम भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, उन लोगों तक पहुँचें जो आज तक सब सुविधाओं से वंचित रहे हैं। इस स्वराज के तरफ हम अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बनाने में बहुत से रोड़े आते हैं। किसी न किसी वर्ग के, किसी न किसी गुट के या किसी न किसी व्यक्ति के हित पर कुछ थोड़ा सा धक्का लगता है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में सुधार आए, बड़ा सा बड़ा हो छोटा सा छोटा हो, लेकिन अगर आप सोचें तो आपको खुद यह महसूस होगा कि जिसके पास आज भी है उसको अगर और ज़्यादा मिलता जाता है तो जिसके पास नहीं है उसको कैसे कुछ मिल सकेगा। यही कारण है कि हमारा कार्यक्रम है तो सब भारतीयों के लिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान उन वर्गों पर दिया जाता है जो कमज़ोर कहलाते हैं, चाहे किसी कारण कमज़ोर हों, जाति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, देश के किसी पिछड़े हुए इलाके में रहने के कारण। तो हर कदम पे किसी न किसी से टक्कर खानी होती है। वो टक्कर हमने खाई लेकिन हमने अपने पैर डगमगाने नहीं दिए, और आज मुझे खुशी होती है ये कह के कि इस पिछले वर्ष में कितनी उन्नति हमारी देश ने की है। एक कार्यक्रम हमने जनता के सामने रखा, उसमें कुछ सरकार के कर्तव्य थे और कुछ जनता के कर्तव्य थे।
क्योंकि एक नया अनुशासन आया, क्योंकि एक नई भावना आशा की, उम्मीद की जनता के दिलों में उत्पन्न हुई, तो सब ने इस कार्य में सहयोग दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कार्य पूरा हो गया या जितना हम समझते थे, जितना हम चाहते थे वो भी पूरा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तब भी ठोस जोरदार कदम आगे बढ़े हैं और काम चालू है। सब जगह बराबर का नहीं है, जहाँ भी जनता जागरूक है, जहाँ के कार्यकर्ता मजबूत हैं, वहाँ पे वो काम और तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप सबको तो मालूम है कि उत्पादन कितना बढ़ा, करीब करीब 7% हमारी देश की उन्नति हुई है। इसी प्रकार से जो हमें गरीबों को घर देने का कार्यक्रम था, 70 लाख परिवारों को घर मिले हैं। बिजली बहुत बढ़ी है, 2000 मेगावाट से। सिंचाई का कार्यक्रम तेजी से बढ़ा है और हमारी आशा है कि और तेजी से बढ़ेगा। जमीन सुधार का कार्यक्रम भी जितना हम चाहते थे उतना अभी भी नहीं हुआ। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन जब भी ये इसको हाथ में लेते हैं तो जहाँ पे जमीन का बंटवारा होता है वहाँ पे नए प्रश्न उठ खड़े होते हैं। और क्योंकि दूर दूर जगह हैं, सब जगह आँख भी नहीं पहुँच सकती और ठीक से उसकी खबर लोग समय पे नहीं देते हैं, तो बहुत सी गलतियां भी होती हैं। ये सब मुझे मालूम है और इसीलिए हर साल यहाँ और जहाँ भी मैं बोलती हूँ, मैं इसी बात पे जोर देती हूँ कि जब तक जनता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो या कोई और नागरिक हो, जब तक वो स्वयं इसको हाथ में नहीं लेंगे कि जहाँ भी अन्याय है उसके तरफ ध्यान देना है, और केवल शिकायत के रूप से नहीं लेकिन सुझाव दिलाएं कि ये यहाँ पे गलती हुई है, इस प्रकार से हम और आप मिलके इस गलती को सुधार सकते हैं। ये भावना थोड़ी बहुत बढ़ी है। हम कह सकते हैं कि पिछले साल में जो जनता का सहयोग मिला, जो जनता में जागृति आई, वो पहले से कहीं ज़्यादा था। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पहले कभी काम नहीं हुआ। अगर पहले बहुत मजबूत बुनियाद इस देश की उद्योग और कृषि के कार्य की नहीं डाली गई होती तो ये उन्नति हम इस पिछले वर्ष में नहीं कर सकते। साथ ही ये भी सच है कि वो बुनियाद होते हुए भी अगर अनुशासन नहीं आता, अगर जनता के दिल में ये सहायता की भावना नहीं आती, तो कितनी भी मजबूत बुनियाद लगी उस पर हम एक सुंदर भारत नहीं बना सकते। आपको याद होगा कि उसके पहले कितनी अनुशासनहीनता हो रही थी, चाहे स्कूल और कॉलेज में, चाहे कारखानों में, चाहे हमारे शहरों की सड़कों पे। और उससे काम तो रुका, एक आर्थिक कठिनाई के ज़माने में आवश्यक वस्तुओं की जब पहले से कमी थी तो वो कमी और बढ़ी, क्योंकि उत्पादन रुक गया, क्योंकि सब तरफ हड़ताल के नारे उठे, क्रांति के नारे उठे। अब आपको मालूम है कि हम भी क्रांति में विश्वास करते हैं। गांधी जी ने, मैं मानती हूँ कि वो सबसे बड़े क्रांतिकारी इस देश के थे, लेकिन उनकी क्रांति का रास्ता था अहिंसा का रास्ता, मैत्री का रास्ता, शांति का रास्ता। और अगर उनके रास्ते से हम भटक जाते और उस समय भी जो थोड़े से लोग, चाहे कितने ही बहादुर हों, कितने ही योग्य हों, अगर उनके रास्ते पे हम बहक जाते तो शायद आज भी ये भारत स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम गांधी जी के रास्ते पे पैर टिका के आगे बढ़े तो हमने इस देश को स्वतंत्र बनाया, हमने लोकतंत्र की नींव डाली, हमने उद्योगीकरण
तेजी से चलाया और हर प्रकार से देश की मजबूती और शक्ति को बढ़ाया है। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। और कोई ये नहीं कह सकता कि बिना इस ताकत के भारत आगे बढ़ सकता है। कोई नहीं कह सकता कि बिना ताकतवर हुए हम या अपना उद्योग बढ़ा सकेंगे या जनता को कुछ सुख और आराम दे सकेंगे। हम समझे थे कि एक दफे आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमेशा के लिए हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि चाहे कभी कभी तो फौजी हमले भी होते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक है जो गुप्त तौर से हमले होते हैं, जो दिखलाई नहीं देते हैं। अब ये आवाज़ें पहले भी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन इस पिछले वर्ष में बहुत सी आवाज़ें खुले तौर से निकली हैं। जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया जब यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी अखबार पर पाबंदी नहीं थी, तब भी जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने भारत की सहायता नहीं की लेकिन उन देशों की सहायता की जहाँ पे या फौजी सरकार थी या दूसरे प्रकार की कोई ऐसी सरकार थी जहाँ जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठ सकती थी, उस ज़माने में ऐसे देशों की, ऐसी हुकूमतों की मदद हुई है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि कहाँ पे हत्या हुई है, तो एक आदमी की नहीं, दो आदमी की नहीं, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, कहीं लाखों में। वो लोग आज हैं जो भारत के तरफ आंख दिखाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये पहला दफा नहीं है। जब गांधी जी जीवित थे तो उनके बारे में भी अनेक प्रकार की बातें कही जाती थीं, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाती थीं, और उसके बाद जब मेरे ऊपर हमला शुरू नहीं भी हुआ था तो भारत के बारे में कही जाती थी, भारत अणुशक्ति का विस्फोट क्यों करे, बड़ा भारी खतरा सारी दुनिया को हो रहा है, दूसरे देश चाहे बम पर बम बना के जमा करें, चाहे अरबों रुपए खर्च करें जब उन पर कोई खतरा नहीं है, उनकी कोई निंदा नहीं है, उल्टे और कोशिश हो रही है कि उनको हथियार बेचे जाएं। लेकिन हम अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम करते हैं तो वो गलत काम होता है। जब हमने इस्पात का काम शुरू किया तो ये कहा गया कि गरीब देश में जहाँ गांव में इतनी कठिनाई है, वहाँ उस देश को इस्पात और लोहे की क्या आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि किसी भी आधुनिक देश की बुनियाद है इस्पात। किसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, कारखानों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, और हज़ार तरीके से साधारण जनता की मांगें उससे पूरी होती हैं। आज ये सब काम, ये बुनियाद, ये नींव अगर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला होता तो हम सब तरफ भीख मांगते होते। लेकिन आज बहुत सी चीज़ों को आज भी ज़रूरत है, तब भी हम भीख किसी से नहीं मांगते। कुछ ही साल पहले लोग कहते थे कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा, लेकिन आपको मालूम है कि 12 करोड़ टन पैदा हुआ है, और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखें कैसे, कहाँ पे रखें। तो ये सच है कि अच्छी वर्षा हुई, लेकिन ये भी सच है कि अगर सरकारी सहायता नहीं मिलती और अगर हमारे मेहनती किसान भाई वो सहायता लेने को और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते तो ये उत्पादन नहीं हो सकता था। कुछ जगह वर्षा की कमी हुई है, सूखा पड़ा है, विशेष करके दक्षिण में, तमिलनाडु में और दूसरी जगह, और कुछ जगह ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो रही है।
हमारे किसानों को इससे भारी कष्ट है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन हमको मालूम है कि इसका वो सामना करेंगे। हमको मालूम है कि जैसे वो मजबूत हो रहे हैं, उनको नई जानकारी, विज्ञान और टेक्निकी द्वारा उनकी ताकत हम बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी वो सामना कर सकेंगे। देखना ये है कि ये कार्यक्रम अभी भी सब जगह नहीं पहुँचे, ये देखना है कि कैसे इसको कोने कोने पहुँचाएँ, ये देखना है कि हर एक जगह का विशेष कार्यक्रम हो। पहाड़ी इलाकों की क्या आवश्यकता है, रेतिस्तान की क्या आवश्यकता है, जहाँ बहुत बारिश पड़ती है, बाढ़ आते हैं, वहाँ की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारी योजनाएं बनेंगी, इस प्रकार से हर एक अपने अपने क्षेत्र में सोचेगा। ये नहीं कि सब कहें कि इस्पात का कारखाना हो जाए या कोई और बड़ा कारखाना हो जाए, लेकिन जो सामान हमारे पास है उसका कैसे पूरा पूरा उपयोग किया जाए, ये भावना जब हम फैला सकेंगे तब और तेज़ी से हमारा देश और हमारी जनता बढ़ सकेगी। इस साल हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, जिनकी बड़ी निंदा हमारे समाचार पत्रों में होती थी, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हमेशा करते थे कि सरकार से तो कारखाने चल ही नहीं सकते, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। हमने देखा कि उनमें से बहुत सोने अब मुनाफा किया है और उनका उत्पादन बहुत बढ़ा है। जो वृद्धि हुई है हमारे उत्पादन में, वो इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के द्वारा हुई है, और हमारी पूरी आशा है कि जो थोड़े से हैं जहाँ का काम अभी संतोषजनक नहीं है, वो भी अब तेज़ी से अपना काम सुधारेंगे, पूरी इसकी कोशिश हो रही है। तो हर समय हर तरफ हमको देखना है, और ये तब होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। मैं अपने मजदूर भाइयों और बहनों को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके काम से ये सुधार और ये वृद्धि हुई है। कुछ घंटे बाद आज ही शाम को मैं यहाँ से श्रीलंका जा रही हूँ। आपको मालूम है कि वहाँ बड़ा सम्मेलन एक गुट निरपेक्षता का हो रहा है, और वहाँ भी मुख्य प्रश्न हम सब के सामने यही है कि अपनी आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखें। आज़ादी केवल सीमा की नहीं, लेकिन आज़ादी अपने विचारधारा की, आज़ादी अपने दिशा की, आज़ादी अपने तई को मजबूत करने की, अपने देश में विकास और उन्नति करने की मुख्य चीज़ यह है। और क्योंकि हम सब के एक ही से प्रश्न हैं, अगर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो एक बड़ी भारी ताकत हो जाती है। गुरुदेव टैगोर ने कहा, कमज़ोरी की ताकत, कमज़ोर लोग भी अगर दृढ़ता से मजबूती से कुछ कर दें तो एक ज़बरदस्त ताकत हो जाती है, और हमारा भी अनुभव यही रहा है। आज़ादी के आंदोलन के ज़माने में क्या ताकत थी भारत की जनता पर, केवल गरीबी, केवल गुलामी, डर। लेकिन क्योंकि हम एक हो गए, क्योंकि हम न निंदा से न मजाक से अपने रास्ते से हटे, तो ये एक दुनिया के उस समय की सबसे बड़ी शक्ति से ज़्यादा हमारी गरीब किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, इनकी ताकत उनसे भी बड़ी हो गई, फौज से भी बड़ी हो गई। ये ताकत आज के गरीब देशों में हमको मिलानी है। मुश्किल ये है कि कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे के कहने में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि अगर कुछ मदद मिल जाए तो अभी मदद ले लें, ये नहीं देखते कि अगर वो मदद ऐसी है कि उनकी स्वतंत्रता पर ज़रा भी आँच लगाए तो वो मदद से वो मजबूत नहीं हो सकते हैं, तो भविष्य में भी वो मदद ही मांगते रहेंगे। हमने भी मदद ली है सब देशों से,
सब प्रकार की सरकारें विचारधाराएं के देशों से और हुकूमतों से, लेकिन एक चीज में हम डट के रहे, हमारी नीति यह है, हमारी विचारधारा यह है, इस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसको देखते हुए, बिना उसको छुए, जो मदद हमें देना चाहता है उसकी मदद हमको स्वीकार है, लेकिन किसी भी शर्त पर हम मदद नहीं लेना चाहते। ये शुरू से हमने ये कहा और इसी पर हम डटे रहे, और आगे भी, आज भी अगर हमारी निंदा है तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ कदम लिए गए या कुछ थोड़े से लोग बंद हैं या समाचार पत्रों पे कुछ पाबंदी है, इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि गरीब देश किस दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है किसी दूसरे की परवाह न करते हुए। और इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। और जो हमारी निंदा करते हैं, मैं तो उनसे एक ही शब्द कहना चाहती हूँ कि जितनी वो निंदा करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे हमें कमज़ोर करने की, वो ही हमारी ताकत बनेगी, उसी से हम और मजबूत होंगे और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। आपने तो ये पिछले वर्षों में भी देखा कि जब भी हम पर हमला हुआ हम उससे दबे नहीं, जब भी हम पर टिप्पणी हुई, भौचाल जैसे भी हमारे ऊपर लोग कूद पड़े, उसका सामना किया और हम आगे बढ़े। ये देश, भारत का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास रहा है, मुसीबतों का इतिहास रहा है, और ये हमारा भारत एक सहनशीलता का देश रहा है, शांति का देश रहा है। लेकिन साथ साथ ये याद रखें कि वीरता का देश रहा है, दृढ़ता का देश रहा है, आदर्शों का देश रहा है। और आज प्रत्येक नागरिक को ये हमारा इतिहास याद रखना है, ये सोचना है कि नए भारत के वो प्रतिनिधि हैं, नए भारत के वो प्रतीक हैं, नए भारत के वो चिन्ह हैं। चाहे हमारे होनहार बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे बूढ़े, ये जिम्मेदारी हर एक के कंधों पे है। और हर एक अगर इन बातों को समझने की कोशिश करेगा, कौन प्रशंसा करता है, कौन बुराई करता है, ये सब जीवन में बहुत छोटी सी बातें हैं। प्रश्न हमारे सामने एक ही है, किस रास्ते पर हम आगे देश को ले जा सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इस दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना है। अगर हमारे सुंदर बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे, खेल कूद में रुचि नहीं लेंगे, तो उनका ना शरीर मजबूत हो सकता है, ना उनका मन मजबूत हो सकता है। और ये अगर युवा पीढ़ी मजबूत नहीं हुई, अगर ये रचनात्मक कार्य में नहीं पड़ी, अगर इनमें देश का प्रेम, देशभक्ति नहीं हुई, तो फिर ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी हानि देश की होगी। फौजें देश की सीमा को सुरक्षित रखती हैं, और हम सबको कारण है कि हम अपनी सेनाओं पे गौरव करें। लेकिन सेना तब बहादुरी से लड़ सकती है अगर उसके पीछे एक बहादुर मजबूत देश रहे। तो आज जो दिन है कि हम अपने इतिहास को देखें और साथ ही साथ अपने भविष्य को देखें, तो हम ये निर्णय करें कि देश किस दिशा में जाएगा, कितना मजबूत होगा, कितना प्रगति करेगा, ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी दूसरे के मदद से नहीं होगा, ये हमें अपने हाथ और पैर से, अपने दिल की मजबूती से, अपने दिमाग की तेजी से, हम सबको, आपको और हमको मिलके करना है। और ये भावना अगर होगी तो इस भारत को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो थोड़ा सा अनुशासन आया, इसको हम और अपनी शक्ति से बढ़ा सकेंगे। कुछ चर्चा चलता है कि यहाँ जो आपातकाल की घोषणा हुई, ये कब वापस ली जाएगी, ये कोई नहीं देखता कि कई महीनों से ढील दी जा रही है। और ढील का नतीजा क्या हुआ, क्या जो लोग छूटे हैं
उन्होंने जरा भी ये कबूल किया कि हिंसा और इस प्रकार के आंदोलन से काम रोकने से देश की हानि होती है, या वो उसी रास्ते पे आज भी चलने को तुले हुए हैं? ये प्रश्न हमको पूछना है। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, दोष देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, न जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं, या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। तो हमको ये देखना है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब बहुत बरसों बाद पहले दफे गरीबों के लिए कार्यक्रम आरंभ हुए हैं और सफलता से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जितनी तेजी से हम चाहें उतने नहीं हैं, इतने बड़े देश में कोटि कोटि की जनता में अगर 70 लाख परिवार के लिए घर मिले तो बहुत छोटा है, लेकिन जहां एक को भी पहले नहीं था तो 70 लाख बड़ा भी है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि नहीं वो 70 लाख भी नहीं चाहिए तो फिर दूसरे लोगों को कैसे मिलेगा? तो ये समय है जब इन चीज़ों पे गहराई से हमको विचार करना है। हम नहीं चाहते कि सरकार के तरफ से या किसी संस्था के तरफ से जोर हो, और ना हमने इसकी कोशिश भी की है। हम चाहते हैं कि हर एक अपने दिल से सोच के अनुशासन, देश सेवा, इस सब में लगे। आप सबको तो मालूम है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से नहीं निकलता है। उस प्रकार के अधिकार आएंगे अपना कर्तव्य समझ के, तब सच्चा लोकतंत्र आ सकेगा। एक लोकतंत्र जिसमें गरीब से गरीब की आवाज़ सुनाई जाए, जिसमें कोई भी जनी केवल अपने आर्थिक या सामाजिक बलबूते के कारण दूसरों पर हावी न हो, जिसमें हर एक जाने कि अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं, जो पिछड़े गरीब भाई और बहन हैं, उनके भी अधिकार हैं, और जहां हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना है उतना ही उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। ये भावना आएगी तब अधिकार सबको मिल सकते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, कुछ लोगों की आवाज़ें उठनी चाहिए, दूसरों का चाहे कुछ भी हो, ये इसी तरह से हमने अपनी आज़ादी खोई थी और इस भूल में हमको फिर से नहीं पड़ना है। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि हम याद रखें कि ये भारत जो बलिदान की भूमि है, आज उस प्रकार का बलिदान नहीं चाहिए। आज हिम्मत चाहिए कि हम हिम्मत से, दृढ़ता से जिएं, एक नया जीवन बनाएं अपने देश के लिए, और अगर इस महान कार्य में सब लगेंगे तो हम अपने देश को बहुत ऊंचा उठा सकेंगे। और याद रखिए कि देश के माने धरती या पेड़ या पहाड़ नहीं है, वो कि उनसे भी हम प्रेम करते हैं और उनको हम सुंदर बनाने में, सुधारने में लगे हैं, लेकिन जब देश कहते हैं तो ये इस देश की कोटि कोटि जनता है, उसको ऊपर उठाना है, उनके घरों में सुख और आराम पहुंचाना है, उनके बच्चों को हर प्रकार का सौंदर्य हमको देना है। इस महान यात्रा में हमारे संग आप कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलके चलें, यही आज के दिन मेरी आप सबसे कामना है। आपको मैं इस दिन की मुबारक देती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे संग मिलके सब बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान जय हिंद अब बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बोलो भारत माता की।